नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्नजीत और आप लोग देख रहे हैं टेकहेल। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि एक डीसी सर्किट में रिले के जगह पे कैसे हम एक ट्रायक का इस्तेमाल करके एसी लाइन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और सीख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। दोस्तों, ये एक सिंपल डीसी सर्किट है और फ्रेंड्स देखिए, इस सर्किट में मैंने रिले नहीं लगाया है। रिले के जगह पे मैंने लगाया है एक ट्रायक। तो दोस्तों, चलिए अब हम सीख लेते हैं कि कैसे एक डीसी सर्किट में रिले के जगह पे हम एक ट्रायक का इस्तेमाल करके उससे एसी लाइन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा ऐसा एक छोटा सा ब्लैंक पीसीबी बोर्ड का टुकड़ा। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक BT136 ट्रायक। दोस्तों देखिए, यह है इसका गेट पॉइंट, यह है इसका टर्मिनल टू पॉइंट और यह है इसका टर्मिनल वन पॉइंट। उसके बाद देखिए, अब हमें इस ट्रायक को सर्किट में ऐसे लगा लेना है। लगाने के बाद ट्रायक को हम लोग सर्किट के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 220 ओम रेजिस्टर। उसके बाद देखिए, अब हमें इस रेजिस्टर को सर्किट में ऐसे लगा लेना है। लगाने के बाद देखिए, अब हमें इस रेजिस्टर का एक पॉइंट सोल्डर करना है ट्रायक के गेट पॉइंट के साथ। उसके बाद रेजिस्टर का दूसरा पॉइंट हम लोग सर्किट के साथ सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा दो पीस तार का टुकड़ा। उसके बाद एक तार हमें सोल्डर करना है। फ्रेंड्स देखिए, यहां पर 220 ओम रेजिस्टर का एक पॉइंट जो हमने सर्किट के साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ, उसके बाद दूसरा तार हमें सोल्डर करना है ट्रायक के टर्मिनल वन पॉइंट के साथ। तो दोस्तों, ये दो तार हो गया इस सर्किट का डीसी पावर सप्लाई का दो तार। ये है पॉजिटिव तार और ये है नेगेटिव तार। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा और दो पीस तार का टुकड़ा। उसके बाद एक तार हमें सोल्डर करना है ट्रायक के टर्मिनल टू पॉइंट के साथ, उसके बाद दूसरा तार हमें सोल्डर करना है। फ्रेंड्स देखिए, यहां पर ट्रायक का टर्मिनल वन पॉइंट और नेगेटिव पावर सप्लाई तार जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। तो दोस्तों, ये सर्किट कॉम्प्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि कैसे हम इस सर्किट के साथ एक इलेक्ट्रिक लाइट कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक होल्डर। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें होल्डर का एक तार कनेक्ट करना है। फ्रेंड्स देखिए, यहां पर ट्रायक के टर्मिनल टू पॉइंट के साथ जो तार हमने सोल्डर किया है उस तार के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स, अब हमें लेना पड़ेगा एक तार का टुकड़ा। उसके बाद इस तार को हमें कनेक्ट करना है। फ्रेंड्स देखिए, यहां पर ट्रायक के टर्मिनल वन पॉइंट के साथ जो तार हमने सोल्डर किया है उस तार के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स, अब हमें इस तार को कनेक्ट करना है न्यूट्रल लाइन के साथ। और दोस्तों देखिए, होल्डर का ये जो दूसरा तार है, इस तार को हमें कनेक्ट करना है फेज लाइन के साथ। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इस सर्किट के साथ एक इलेक्ट्रिक लाइट कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोग बहुत ही आसानी से इस सर्किट को अपने घर में बना सकते हैं।
तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को जरूर ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए। तो दोस्तों आज इतना ही, आप लोगों से फिर बात होगी अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।